हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है शनिवार यानी कि सैटरडे और अभी है 11 बजे का टाइम। तो घर के सारे काम मेरे हो रखे हैं, मतलब हो गए हैं सारे काम मेरे। और उसके बाद मैं नहा धो ली थी, अक्षु को भी नहला दिया था मैंने। और अभी मैं कर रही हूँ अपने हेयर वगैरह कॉम कर रही हूँ। और अभी मैंने बस ना पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाने मेरा बाकी है। पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे ना अपनी बेडशीट अभी चेंज करनी है और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं। और सारिका के स्कूल से आने के बाद ही मैं मशीन लगाऊंगी। और यहाँ पे अक्षु जो है मेरी परेशान कर रही थी मुझे, थोड़ा सा बार बार ट्राईपोर्ट के पास जा रही थी, इसलिए मैंने उसका वो करना पकड़ रखा था। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ अपनी बेडशीट चेंज करने के लिए। बेडशीट चेंज करने के बाद मैं अक्षु को सुलाऊंगी और फिर मैं अपनी मशीन वगैरह जो लगाऊंगी, जब तक सारिका के आने का टाइम भी हो जाएगा क्योंकि अक्षु के हाथ थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। और ये देखो, अभी मैंने अपनी बेड जो शीट जो है हटा दी और अभी ना बेड वगैरह जो झाड़ दे रही हूँ उसके बाद जो मेरी दूसरी बेडशीट है वो बिछा दूँगी। और अक्षु देखो बार बार मेरे पीछे पीछे यहाँ पर घूमे जा रही है। और अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे पास आ रही है, बार बार मेरे हाथ से फ़ोन छीन रही है। और महीना कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है, दूसरा महीना कब आ जाता है कुछ नहीं पता चलता है टाइम का। और पैसे हाथ में कुछ होते नहीं है, ऐसे सारा महीना निकल जाता है। तो किराए का टाइम आते ही पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी, किराए के घर में ऐसे ही होता है, पता नहीं कब अपना घर होगा, कब पता नहीं होगा। हम तो इसी इंतज़ार में, पता नहीं कब अपना घर अब बना पाएंगे हम लोग। किराए में होता है, खाओ या ना खाओ लेकिन किराया देना ही पड़ता है। तो उसके लिए जोड़ते रहते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम ना, डेली के निकालते रहते हैं, हस्बैंड जी शॉप पे अपने डेली का निकालते रहते हैं डेली के हिसाब से। तभी फिर ऐसा होता है ना, महीने के एंड में जो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है किराया देना होता है जब। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मौसम ना अचानक से बहुत तेज हवा से चल रही थी और ना बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की सी, तो मैं बाहर आई तो मैंने वीडियो बना लिया था थोड़ा सा। फ्रेंड्स, अभी मेरी अक्षु सो गई है, और मैं उसको उठा रही हूँ मशीन में पानी डालने के लिए। क्योंकि टाइम हो गया है 1:20 और सारिका भी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो तब मैं मशीन में पानी वगैरह सब भर के रख दूँगी, रेडी कर दूँगी, वो आएगी तो तभी मैं मशीन में बात करूँ। चलो अंदर। ये मेरी अक्षु, ओ सारिका आ गई है। ओए देखो अक्षु भी उठ गई है इधर, ना करो। देखो मेरी सारिका को। और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, मैंने मशीन भी लगा दी है। और सारिका स्कूल से आई तो अचानक से इतनी तेज़ धूप हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बाहर देखा था तो हवा के साथ बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश नहीं थी हल्की थी, और अभी अचानक से धूप निकल आई इतनी तेज़। और यहाँ पे देखो मेरे कपड़े इतने सारे धोने को पड़े हुए हैं, और ये अक्षु भी यहाँ पे वॉकर में बैठी हुई है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं इधर आ गई थी, सारिका ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी झूला टांग दो, तो मैं आ गई थी झूला टांगने के लिए, कह रही थी अक्षु को झुलाऊंगी मैं, अक्षु तो डरेगी, अक्षु नहीं झूलेगी, और रोने लग गई थी। अभी खाना वाना कुछ नहीं खाया है लेकिन सबसे पहले कह रही थी झूला टांग दो, तो मैंने उसका झूला टांग दिया यहाँ पे। और लेकिन मैंने उसको बोला अभी झूलोगे नहीं, खाना खाने के बाद ही झूलोगे, कह रही ओके। तो ये उसके आते सारी को मैंने अपने नहला दिया था और अभी पहना दिए मैंने उसको कपड़े। और अक्षु अभी हमारी यहाँ पर खेलने लग रही है, और उसके बाद अब मैं खिलाऊंगी इसको खाना। खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है सारिका, स्कूल में भी ऐसे ही करती है, हमेशा ना खाना बचा के लेकर के आती है।
क्योंकि धीरे धीरे खाती है और लंच हो जाता है ओवर, तो वो उसका खाना बच जाता है और मैम फिर खाने भी नहीं देती है। मैं इसको कितनी बार बोलती हूँ जल्दी खाया करो, लेकिन ये ना इतना धीरे खाती है, घर में भी इतना धीरे ही खाती है खाना। ये देखो हमने खाना खा लिया है और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, वो कपड़े भी मुझे सुखाने जाना है, अभी धुल चुके हैं बस मेरे कपड़े और मशीन करनी है खाली। ये इतने थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं, ये निकालने हैं मेरे, थोड़े से कपड़े पड़े हुए मशीन में मेरे को वो निकालने हैं, बाकी मेरे जो है धुल चुके हैं, बस अब मैं सुखाऊंगी। इधर पहले अक्षु को सुलाऊंगी, अक्षु यहाँ पे रो रही है, इसको भी मैंने खिला दिया, इसका पेट भर दिया है, और अब मैं इसे सुलाऊंगी, फिर अभी कपड़े सुखाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जब तक लोग आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगे आपको। तो फ्रेंड्स, इस अक्षु को सुलाने के बाद मैं आ गई थी इधर कपड़े सुखाने के लिए, तो सारी का भी यहाँ छोटे छोटे कपड़े हैं जो हमेशा मेरे साथ में सुखाती है, और मैं मना करती हूँ लेकिन मानती नहीं है, और सारे छोटे छोटे कपड़े वो सुखा रही है और बड़े बड़े जो कपड़े हैं मैं सुखा रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अक्षु मेरे पास बैठी है, उसकी आवाज़ें आपको सुनने को मिलती रहेंगी। तो ये देखिए अभी मैंने सारे कपड़े भी सुखा दिए हैं, देखो बाहर डाल दिए हैं और जो थोड़े बहुत है वो अंदर डाल दें। यहाँ पर सारिका बैठी हुई है, ये क्या लेके बैठी हुई है चलो आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैंने मेरे पास ये वेस्ट बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने कुछ दिन पहले इसका DIY किया था, ये बनाया था इसका, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी मैंने ये कैसे बनाया था। तो ना ये मैंने ऐसे जस्ट बना दिया था, तो अभी मैं सोच रही थी इसको ना ये कवर चढ़ा दूँ, मतलब कागज़ चढ़ा दूँ इसके ऊपर। तो अभी मेरी सासू माँ भी आ गई थी, जस्ट मैं बैठी थी चढ़ाने के लिए, तो अभी मेरी सासू माँ भी आ गई थी, तो अभी वो लोग खेल रहे हैं, मतलब अक्षु को खिला रही हैं और मैंने यहाँ पर आ गई थी। तो ये देखो मैंने ना इस पर पूरे पे ये पेपर चढ़ा दिया है, और उसके बाद मैं इसमें क्या देखो सॉक्स वगैरह ना सब कुछ इसमें मैं रख, सॉक्स और हैंकीज सारे मैं इसमें रख देती हूँ, अक्षु की हो और इसके पापा की और सारिका की, सारे सॉक्स वगैरह सब इसमें कर देती हूँ। इसमें ऐसा होता है ना कि फिर ढूंढनी नहीं पड़ती है और इसमें एक साइड में रखी भी रहती है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं, बाय।